देखते रहिए UVN08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। विष्णुराम नेताम फरसगांव से। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस कोटपाड़ में मनाया गया। कोंडागांव विकास खंड स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस ग्राम कोटपाड़ में मांदरी नृत्य के साथ धूमधाम से मनाया गया। फरसगांव ब्लॉक के अंतर्गत आसपास के सभी सर्व आदिवासी समाज के लोग बहुतायत संख्या में आए। कार्यक्रम की शुरुआत युवाओं, युवक, युवतियों, गणमान्य नागरिकों के द्वारा आक्रोश बाइक रैली निकालकर अपनी आवाज को शासन तक पहुंचाए पूजन अर्चन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार, अपने अधिकार के बारे में अनुच्छेद घोषणा पत्र को वाचन कराएं और वक्तव्य दिए, जिसमें अतिथि लचिन पोटाई, सरपंच अजय मरापी, दूलम सिंह नाग, झारी राम सलाम, सुखलाल मरकाम, सोमनाथ पोटाई, सामाजिक व प्रभाव आदि उपस्थित रहे। संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, रातों रात ऐसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि उन संविधान जो अभी बाबा साहब अंबेडकर ने जो एक ईश्वर स्वरूप है वो हमारे आदिवासियों के लिए, यदि वो नहीं रहते तो शायद हमको कहीं का नहीं छोड़ते, आज तक हमारी समाज इतना आगे नहीं बढ़ता, अभी तक तो हमारा वो सब कुछ खत्म हो जाता। संविधान है तो जिंदा है हमारा, इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे युवा भाई बहनों को निवेदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि वो इस अधिकार और हक की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जिस तरह से शासन प्रशासन की ओर से एवं अन्य जो गैर इरादतन जो लोग हैं हमारे हितैषी नहीं है उनका पुरजोर मुकाबला देने के लिए आगे आए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। मांझी मुखिया इन सबका पूजा दायित्व है, ऐसा नहीं है कि जनप्रति इसलिए बाकी लोग बोलते हैं, हम तो जनप्रतिनिधि बना दिए हैं, उन्हीं का जवाबदारी है गांव में क्या लाना है क्या नहीं लाना है, ऐसा नहीं। ग्राम सभा का भी जो व्यवस्था होता है, ग्राम सभा में सुझाव आता है, उन ग्राम सभा में आप सबको जाना है और सबको सुझाव देना है। ग्राम सभा जब होता है तो 20-15 जो जनप्रतिनिधि रहते हैं पंचायत के, नायता पटेल रहते हैं, यही लोग बैठते हैं, बाकी लोग नहीं बैठते, सबको बैठना है।